नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कमेंट आ रही हैं स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की कि सर तीनों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। तो हम आपको विद प्रूफ के दिखाएंगे कि तीनों रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अपर डिवीजन असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट है, सप्लाई इंस्पेक्टर है। ठीक है, कोई सा भी पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कोई सा पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए अपर डिवीजन का हमने ले लिया, तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, इसका जब पूरा प्रोसेस विद पेमेंट का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोअर डिवीजन असिस्टेंट का प्रोसेस उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, नए सिरे से बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आपको सप्लाई इंस्पेक्टर का नए सिरे से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। ऐसे बारी बारी से तीनों रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, बट कमेंट्स में ये आ रहा है कि सर फॉर्म तीनों अप्लाई नहीं हो रहे हैं, बट हमने आज करके देखा है तो वो हो गया है तीनों रजिस्ट्रेशन। वही प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो यदि पसंद आता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को हम क्लिक करते हैं, वही प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया और यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको पैड रजिस्ट्रेशन नंबर यदि नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पैड रजिस्ट्रेशन नंबर को या न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे निकालना है। सारी वीडियो उसमें अपलोड है पहले से आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पैड रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है कैप्चा फिल करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ बॉटम साइड में पहुँचते ही पेज के वहाँ आपको ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होती है और कैप्चा फिल करके डिटेल को चेक करके सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद फोटो सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उसको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अदर डिटेल का ऑप्शन आता है, वहाँ पर अपना एज प्रूफ और वही आपका जात मूल निवास वगैरह फिल करके डिटेल को चेक करके सबमिट करते हैं, फीस कट जाती है और पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल पेमेंट जनरेट हो जाता है, सारे स्टेप ग्रीन और कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। ऐसे ही दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए है, ऐसे ही तीसरे रजिस्ट्रेशन के लिए है, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन और सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है, ऐसे ही तीनों रजिस्ट्रेशन जो है अलग अलग नए नए सिरे से हो जाते हैं, बट तीनों का प्रोसेस जो है वो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करके ही होगा। जैसे अपर डिवीजन का है तो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे और पूरा जो मैंने अभी बताया आपको जस्ट वो पूरा स्टेप करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद फिर हम लॉगिन करेंगे लोअर डिवीजन के लिए, तो फिर वही पैट नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर वही पूरा प्रोसेस लास्ट तक होगा। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए पैट रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर लॉगिन करना होगा और फिर वही पूरा प्रोसेस पेमेंट तक, फाइनल प्रिंट तक। इस प्रकार तीनों फॉर्म जो है आपके हो जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी वीडियो मैं पहले से ही जो है अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई के लिए यूपी ट्रिपल एससी की कई वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं, आपको ज़रूर वहाँ से हेल्प मिलेगी और आपकी ज़रूर सहायता होगी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने बारी बारी से रजिस्ट्रेशन किया और पूरा रजिस्ट्रेशन की लिस्ट जो है मैं आपको विद प्रूफ के दिखा रहा हूं, बकायदा उसका स्टेटस जो है निकाल कर आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने ऑनलाइन जो किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्जी दिखा रहा हूं कि सर नहीं हो नहीं रहा हुआ है इसीलिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, नहीं होता तो नहीं दिखाता। ठीक है, ये डिटेल्स जो हाइड की गई है वो वीडियो के पर्पज़ से और सिक्योरिटी रीजन से हाइड की जाती है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैंने फ़ोटो को ऐड कर रखा है और बारकोड को और ये जो डिटेल्स वगैरह है ये सब कुछ आपको नहीं करना होता, ये सिर्फ वीडियो समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो होती है। आप अपना ओरिजिनल फ़ोटो, ओरिजिनल ही नाम, सब कुछ फ्रेश और नए तरीके से बिल्कुल अच्छे से करना होता है। ठीक है, हम लोग वीडियो बनाते हैं बट सिखाने के पर्पज़ से। ठीक है, जिससे कि आपको फॉर्म करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं लोअर डिवीजन का असिस्टेंट का है, अपर डिवीजन का है और सप्लाई इंस्पेक्टर का। यहां देख सकते हैं सारे स्टेटस पूरा, सब पर राइट का क्लिक है और सारे स्टेप सही हैं। यहां से आप इनका मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फाइनल सबमिट, फीस कटने के बाद और फीस कटने से पहले भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पैट है, पैट को आपको लॉग इन करना होता है। हम आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, इधर ये देखिए एप्लीकेंट डैशबोर्ड, लॉगिन थ्रू पैड, एडिट, प्रिंट, स्टेटस, यहाँ से सब कुछ चेक हो जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे और वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ओटीपी के थ्रू ना करें, आप डिटेल के थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेटर है। और आप जैसे ही यहाँ से क्लिक कर प्रोसीड करते हैं तो सारा पूरा पैड का डिटेल जो है ओपन
हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ओपन है, तो यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर लोअर डिवीजन असिस्टेंट, अपर डिवीजन असिस्टेंट, सप्लाई इंस्पेक्टर, तीनों को बारी बारी से ऑनलाइन किया गया है, तीनों का प्रूफ है और तीनों के यहाँ देख सकते हैं आप प्रिंट के लिए ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हैं, तीनों का यहाँ पर जो है आप स्टेटस कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने करके देखा है, इसीलिए आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको यदि पसंद आई है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।